हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टाटा के BS6 फेज 2 के एक और नए मॉडल जिसका नाम है 1816 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता ही है, टाटा का BS6 फेज 2 शुरू हो चुका है। उसके व्याप पर टाटा ने अपने मॉडल जो है सब जो सारे मॉडल हैं उन सभी का नेम और उसकी पावर बढ़ा दी गई है, और सभी मॉडलों की पावर बढ़ चुकी है। तो इसलिए अब ये पहले 1815 में आती थी ये गाड़ी, अब 1816 हो चुकी है और इसकी पावर 160 हॉर्स पावर की हो गई है और 18 पेलोड हो गया है। और इसी के साथ हमें देखने को मिल जाता है इसमें लुक वाइज तो हमें फ्रंट्स में सेम ही देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे ऊपर दो पार्किंग बल्ब देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर देखने को मिल जाता है, साइड में हमें दो ग्लास देखने को मिल जाते हैं, साइड में भी हमें एक ऊपर ब्लाइंड स्पॉट मिरर इस साइड भी देखने को मिल जाता है और दो ग्लास नीचे भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी विंडशील्ड देखने को मिल जाती है और यहाँ पे हमें दो वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे दो हैंडल देखने को मिल जाते हैं हमारे, और यहाँ पे एक नीचे ग्रिल रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, बड़ा सा वाइट कलर का रिफ्लेक्टर। और यहाँ पे हमारी टाटा की टाटा लिखा हुआ, नीचे हमारे ग्रिल्स के ऊपर जो कि एयर फ्लो के लिए ग्रिल्स होती है, इसके ऊपर हमारा टाटा का लोगो हो गया। उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पे साइड बल्ब हो गए जो कि नॉर्मल हेडलैम्प है, और साइड में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड इंडिकेटर है, नॉर्मल हेडलैम्प है, इस साइड भी सेम। और उसके बाद हमारे यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे हमारे फॉग लैंप लगाने के लिए ऑप्शन दी गई है, और नीचे हमारे रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि फॉग लैंप में काम आता है। और यहाँ पे नीचे एक बड़ा सा हैवी बम्पर दे दिया गया है जिससे हमारी गाड़ी की बहुत ज़्यादा बचाव होता है। चलिए अब बात करते हैं साइड लुक के बारे में। साइड लुक में सबसे पहले तो हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे साइड मिरर्स और यहाँ पे ग्लास और FE की बैचिंग और यहाँ पे येलो कलर का रिफ्लेक्टर, और प्लस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डोर हैंडल। यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स की ऑप्शन एक और दे दी गई है, और यहाँ पे हमें मट फ्लैप और साथ में पीछे रियर मट फ्लैप देखने को मिल जाता है। दो बड़े से फुट स्ट्रैप देखने को मिल जाता है जो ड्राइवर इजीली ऊपर नीचे चढ़ सकता है। उसके बाद बात करें को ड्राइवर साइड सीट साइड की आउटलुक की, तो यहाँ पे हमें दो फुट स्टेप यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है जो इजीली को ड्राइवर यहाँ से ऊपर चढ़ सकता है। और यहाँ पे हमें 3 मिरर्स देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर और दो रियर के मिरर देखने को मिल जाता है। प्लस इसमें हमें टील कैबिन की ऑप्शन देखने को मिल जाती है जो कि ईजिली मैकेनिक या फिर ड्राइवर गाड़ी के इंजन की चेकिंग कर सकता है, हमारी गाड़ी के इंजन में खराबी तो नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है तो ड्राइवर चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ बात करेंगे इंजन की, तो इंजन में हमें 160 लीटर का हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 3.3 फोर सिलेंडर इंजन में आ जाता है। प्लस इसमें हमें कॉमन रेल सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि इस गाड़ी की पावर और एवरेज को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। और साथ ही साथ इसमें हमें देखने को मिल जाता है 50 नंबर गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में गलत बताया था, इसमें हमें 50 नंबर गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें हमें मिल जाते हैं वायर वाले हमारा गियर शिफ्टर, इसमें हमें गाड़ी में मिल जाते हैं 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर देखने मिल जाते हैं। इसके साथ हमें देखने मिल जाता है इसमें बॉस का फ्यूल सिस्टम जो कि दो ब्लैक कलर के यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं। प्लस इसमें हमें देखने मिल जाता है फ्यूल उठाने, अगर हमारी गाड़ी में डीजल ख़त्म हो जाए तो हमारी गाड़ी में इसमें मोटर लगी हुई है जो कि फ्यूल को ईजिली ऊपर भर सकती है, जो कि यहाँ पर लगी हुई होती है एक गाड़ी में मोटर लगी हुई है। जैसे हमारे अगर हम अपनी गाड़ी का चाबी स्विच को ऑन करके रखेंगे तो हमारी मोटर जो है इसको फ्यूल फिल्टर तक हमारा पूरा प्रेशर बना के रखेगी, उसके बाद हमारा गाड़ी इजीली स्टार्ट हो सकती है। बाई चांस अगर हमारी गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया तब एक उस कंडीशन में मोटर वाला सिस्टम बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमारा गाड़ी का बात करें बैटरी की, तो बैटरी हमें एक्साइड की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 12 वोल्ट की और 100 एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ हम बात करें बैटरी का टॉर्च स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि ड्राइवर की सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, बट इसको कैबिन के अंदर भी स्विच के माध्यम से टाटा को देना चाहिए था एक बार। और इसके साथ हम बात करें अगर ATS सिस्टम की, तो ATS सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जो कि फुली सील्ड है, इसके सेंसर भी सारे कवर्ड है और इसमें हमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इसके साथ बात करें हमारा वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम का टैंक है और यहाँ पे हमारा DDU है जो कि एयर को ड्राइव करता है। और इसके साथ हम बात करें हमारे एयर प्रेशर टैंक की, तो एयर प्रेशर टैंक हमारे पहले BS6 गाड़ियों में डबल एयर टैंक आते थे, बट हमारे टाटा ने BS6 फेज 2 में हमारा एयर टैंक को बड़ा करके एक ही कर दिया, अब दोनों को मिलाकर एक ही एयर टैंक बना दिया है। और इसी के साथ हम बात करें गाड़ी की लेंथ की, तो गाड़ी की लेंथ हमें 22 फुट 24 फुट और
मतलब अलग अलग वेरिएंट में उपलब्ध है। फिलहाल मैंने इसकी चेकिंग नहीं किया था, मेरे पास बुक गाड़ी आई तो मैंने तुरंत ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है रियर में रियर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, फ्रंट में भी हमें रियर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और कैबिन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बात बताना भूल गया, जो BS6 फेज 2 की पहचान है, तो BS6 फेज 2 में हमें यहाँ पर कैबिन जो है यहाँ से नोब निकली हुई होती है, जो कि BS6 फेज 2 की पहचान है। और साथ ही साथ इसमें हमें एयर से इंजन सील्ड देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कि बारिश के टाइम पे काम आती है, यहाँ पे एयर फिल्टर का नोब देखने को मिल जाता है हमारा, जो भी BS6 फेज 2 की पहचान है। उसके साथ हम बात करें इसके यूरिया सिस्टम की, तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, यहाँ पे हमारा इंजन फ्यूल का जो इंजन का इंजन ऑयल के चेकिंग के लिए यहाँ पे हमारी टाटा ने गेज दे के रखी है, जो इजीली ड्राइवर डेली टू डेली हमारा इंजन ऑयल गेज चेक कर सकता है, लेवल इंजन ऑयल लेवल का चेकिंग कर सकता है। ये थोड़ी फंबलिंग हो रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एयर फिल्टर की, तो एयर फिल्टर का हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे नोज के साथ आता है। एयर फिल्टर हमारा गाड़ी का यहाँ पे रह गया, तो एयर फिल्टर को इजीली ओपन करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमें लॉक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो इजीली बंद और खोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक एयर फिल्टर इंडिकेशन है, जो कि अगर एयर फिल्टर हमारा चोक हो जाएगा तो यहाँ पे इंडिकेशन रेड कलर का इंडिकेशन आ जाएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो वीडियो के लिए तैयार है। और यहाँ पे हमारा डेप टैंक देखने को मिल जाता है, डेप टैंक हमारा 25 लीटर का डेप टैंक है, प्लस इसमें हमें दो फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, डेप टैंक के दो डबल फिल्टर होते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमें प्रोटेक्शन भी, डम्प साइड से बहुत सारी प्रोटेक्शन दे दी गई है, जो हमारी मोटर को कवर रखती है। और इसी के साथ हमें देखने को मिल जाता है 160 लीटर का लोहे वाला टैंक, जो कि लोहे का टैंक है, प्लास्टिक का ना हो के, क्योंकि दूसरी गाड़ी में देख सकते हैं हम प्लास्टिक का टैंक आना है, पर बट इसमें हमें लोहे का टैंक देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आपकी लेंथ और इसके बारे में तो बता चुका हूँ। और अब हमें ये गाड़ी हमारे 6 चक्की में देखने को मिल जाती है। रियर में हमें नॉर्मल ये देखने को मिल जाते हैं इंडिकेटर्स और हेडलैम्प देखने मिल जाते हैं, नॉर्मल देखने मिल जाता है, जो कि ब्रेक पार्किंग और इसके एक्सेट्रा का है। और गियर में एक और बम्पर देखने मिल जाता है, हैवी दो हमारे स्टॉपर देखने मिल जाते हैं, जो एमरजेंसी में काम आते हैं। और इसी के साथ हम बात करें तो इसके हमें यहाँ पे स्टपनी देखने मिल जाती है, और गाड़ी की लेंथ आप देख ही सकते हैं, गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा है। और चीज़ मैं बताना भूल गया, इस गाड़ी के जो अंदर का है सिस्टम है, इसमें भी हमें बहुत सारी चेंजिंग देखने मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इस गाड़ी की लॉक नहीं है, मतलब चाबी नहीं है, तो इस कारण से बाहर से बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं आप स्टेयरिंग का बिल्कुल हमारा कार की तरह स्टेयरिंग कर दिया गया है, बिल्कुल कार की तरह फील आएगी हमें बैठ के अंदर। और इसके साथ साथ को ड्राइवर सीट भी हमारी बहुत काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल कर दी गई है। और साथ ही साथ ड्राइवर सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट हमें फुली एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। पीछे हमारा स्लीपर नहीं है, थोड़ा सा मतलब गैप है, स्लीपर की तरह गैप है, बट हल्का थोड़ा ज़्यादा गैप है। और इसी के साथ पीछे हमें सामान रखने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन दी गई है। और उसके बाद हमारा कैबिन भी एकदम शानदार बनाया गया है। और ऊपर हमारे अगर बात करें गाड़ी के प्राइस के बारे में, तो गाड़ी का प्राइस अभी कहीं पे भी हमें शो नहीं कराया गया है, क्योंकि आप अगर गाड़ी को लेने के इंटरेस्टेड हो तो आप जाके अपने नियर बाय डीलरशिप में पता कर सकते हैं, जो जहाँ पे आपको इसका ऑन रोड प्राइस और एक्यूरेट प्राइस पता लगेगा। क्योंकि हमारा अगर मैं आपको बताऊंगा कुछ और, अगर आप शोरूम में जाके पता करेंगे तो शोरूम में आपको कुछ और पता चलेगा, इसलिए आप जाके अपने नज़दीकी डीलरशिप में पता कर सकते हैं इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी और गाड़ी का फुल रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द लाने का प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।